हाँ जी स्टूडेंट, आज का जरा मेरा वीडियो एमए एजुकेशन के स्टूडेंट्स लिए आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज SABE। सबसे पहले अपन जी फुल फॉर्म देखते हैं, सभी की फुल फॉर्म की होती है। फुल फॉर्म इज स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, सभी स्टैंड फॉर स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन। तो बेसिकली होंगे क्या है, ए कुछ स्टूडेंट की रिक्रूटमेंट की जाती है, सम स्टूडेंट का ग्रुप बना लिया जाता है, कुछ स्टूडेंट का ग्रुप बनाया जाए। ग्रुप क्यों बनाया जाता है, वह ग्रुप स्टूडेंट के नीड्स को रिप्रजेंट करता है। जिम्मे आप बेसिकली आम तौर पर देखते हैं स्कूल या कॉलेज के एक लीडर चुन लिया जाता है, एक बच्चे ही अपने आपका एक प्रेजीडेंट रिप्रजेंट कर देंगे। वह प्रेजीडेंट की करता है, बच्चे के नीड्स को प्रिंसीपल तक या मैनेजमेंट तक लैके जाता है। तो स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन यही चीज होंगे, कुछ बच्चों का ग्रुप बना दिता जाता है। वह बच्चों का ग्रुप की काम करता है, दे आर ट्राइंग टू मीट द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स विद द मैनेजमेंट, मतलब स्टूडेंट के जो नीड्स है उन्होंने मैनेजमेंट के साथ मैचअप करने की कोशिश करता है, ताकि जो भी उन्होंने एक्सपेक्टेशन है जरूरत है वह मैनेजमेंट वालों या एजुकेशन बोर्ड के वालों पूरी की जा। ठीक है, तो स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड की है स्टूडेंट दडवाइस होंगे, वाइस प्रेजिडेंट हो गया, स्टूडेंट ने अपने एक प्रेजिडेंट चुन लिया, उन्होंने एडवाइस लेके वाइस प्रेजिडेंट जो है सारे स्टूडेंट या जो भी एडवाइस है उन्होंने लैके अगे रिप्रजेंट करते हैं। तो बेसिकली काम की होंगे स्टूडेंट भलाई के काम करना, स्टूडेंट न जो भी डिफिकल्टीज आ रही है इन द कॉलेज इन द स्कूल उन्होंने सोल्व करना, खुद के बेसिस से नहीं सोल्व कर सकता, उन्होंने प्रॉब्लम अगे जाके जो हायर अथॉरिटीज है उन्होंने सामने रिप्रजेंट करना, यह सब का काम है स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन का काम है। तो हम ए कुछ बेनीफिट्स हो गए, बेनीफिट्स ऑफ स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन, तैनू आप शॉर्ट फॉर्म च लिख लें। ठीक है जी, तो पहला हो गया बेनीफिट्स फॉर स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए महत्ता की होगी, भी लाभ की होंगे, स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड है स्टूडेंट के लिए बोर्ड है तो बच्चों की तो लाभकारी हैगा ही है, बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम है वो इस बोर्ड के अपनी एक जी कमेटी बनी है, अपना ग्रुप बनया हुआ, आपकी प्रॉब्लम उसे जाके डिस्कस कर सकते हैं, उन्होंने प्रॉब्लम उ सॉल्व होंगे इस गल की गारंटी दी जाती है। तो स्टूडेंट्स लिए तो यह बेनीफिशरी हैगा ही हैगा। बेनीफिट्स फॉर फैकिलिटी, बेनीफिट्स फॉर फैकिलिटी या फिर अपने टीचर्स हो गए है ना, हेडमास्टर हो गए, सारे फैकिल्टी के ही आते हैं, तो उन्होंने किमें बेनीफिशियल है। देखो जे स्टूडेंट्स आपकी प्रॉब्लम रिप्रजेंट नहीं करेंगे, एवं क्लास के इनडिसिपलिन क्रिएट करी जाएंगे, तो फैकिलिटी को सब तो ज्यादा जी प्रॉब्लम है फेस आउट करना पैदा है। हम स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड बनाया है, स्टूडेंट का वाइस प्रेजिडेंट है, स्टूडेंट कोई भी दिक्कत आती है उन्होंने डिस्कस करते हैं, जो वाइस प्रेजिडेंट है वो अगे जाके जो हायर अथॉरिटीज है उन्होंने डिस्कस करता है। तो ये की है फैकिलिटी को भी बेनीफिट है, फैकिलिटी डायरेक्टली स्टूडेंट की प्रॉब्लम पता लग जाए, आपके बिहाफ से स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो ये जो क्लासिस के इनडिसिपलिन क्रिएट हो रहा है उसकी प्रॉब्लम काफी हद तक जी कंट्रोल कर दी जाती है। बेनीफिट फॉर एडवाइजरी बोर्ड मैंबर्स, बेनीफिट्स फॉर जिहड़ा इन्हां दा बोर्ड है उहदे मैंबरां नूं, एडवाइजरी बोर्ड। हुण देखो ए संस्था नूं रन करन लई एक बोर्ड बनाया गया, उहदे कुछ मैंबर्स हैगे, उहनां लई वी इह बेनीफिट दे तौर ते काम करदा। हुण बेनीफिट ही है जिहड़ी संस्था बनी है स्कूल या कॉलेज की भलाई दे लई बनी हुई है, ताकि उहनां दे भलाई दे कार्ज दे विच कीते जाण। जदों स्टूडेंट एडवाइजरी बोर्ड बनया है तो उहदे कुछ मैंबर्स होंगे, उहनां लई वी इह चीजां बेनीफिट है, वी स्टूडेंट दी प्रॉब्लम हायर अथॉरिटी नूं पता लगदी है, हायर अथॉरिटी तो प्रॉब्लम उन्हें तक पहुंचती है, तो प्रॉब्लम ईजी वे नाल सॉल्व कर सकते हैं। तो यह छोटा जो टॉपिक से तुहाडा सबे, एहदे नाल ही आपां एक होर टॉपिक डिस्कस करांगे दैट इज, एंड तुसीं नोटबुक ते उतार लो ताकि तुहानूं कोई डिफिकल्टीज ना हो। नैक्सट अपना इहदे विच टॉपिक है PSEB, स्टैंड फॉर पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। ता बेसिकली तुहाडे सिलेबस दे विच की है, तुहाडे सिलेबस दे विच जो भी आप डिस्कस कर रहे डेफिनेशन प्लस फंक्शन है, तो मैं पिछली वीडियो डाइट करवाया फंक्शन ऑब्जेक्टिव करवाए थे, आज की वीडियो सबे किया डेफिनेशन की फंक्शन किए हैं, थर्ड करने जा रहे हैं आप PSEB पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ये आप फंक्शन भी करा प्लस आएगा। हम देखो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड कितने स्थित है, आपको आम तौर पर सबने पता है मोहाली चंडीगढ़ विखे जो है पंजाब स्कूल बोर्ड जो पाया जाता है। ठीक है जी, ए एस्टैबलिश होया 1969 जिहड़ी इंडियन गवर्नमेंट है
गवर्नमेंट जी इंडियन गवर्नमेंट है इन्हें इस्टैबलिश किया पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड 1969 इस्टैबलिश हो ठीक है जी। हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का की काम है, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जिहड़े अपने मैट्रिकुलेशन हायर मैट्रिकुलेशन तक जिहड़ी शिक्षा है उन्हां दा प्रबंध सारा इन्हां दे अंडर हुंदा है, उन्हां दा की सिलेबस होगा की पैटर्न होगा किहड़े बच्चे नूं किवें किसे क्लास दे विच प्रमोट करदा कीता जाऊगा किहड़ियां उन्हां नूं टैक्सट बुक्स लगनगियां उन्हां दे एग्जाम शेड्यूल बनाउणे चाहे समेटेटिव है चाहे फॉर्मेटिव एग्जाम है सारा शेड्यूल है जिन्ना भी बच्चों का कोई सर्टिफिकेट बन के आने हैं किसी का कोई नाम गलत है सही करवाना तो सारा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंदर आता है। तो बेसिकली डेफिनेशन की कर सकते हो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड बारे दस सकते हो कितने स्थित है किवें बनिया उस तो बाद दस सकते हो काम की है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की करता है अपने लिए तो यह सारा डेफिनेशन आऊगा जिम्मे कंडक्टिंग एग्जाम शेड्यूलिंग हो गया पबलिशिंग टेक्सट बुक्स हो गया जैसे कह सकते हो थ्यूरी दे विच कंडक्टिंग एग्जाम शेड्यूल ठीक है पबलिशिंग टेक्सट बुक्स ठीक है। तो यह सारा काम किसके द्वारा किया जाता है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा किया जाता है। तो हम जो एट टाइम अपना करंट पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है जिन्होंने जेडे इन्होंने सैकटरी है जो इन्हू रन कर रहे हैं दैट इज मिस्टर कृष्ण कुमार ठीक है। मिस्टर कृष्ण कुमार प्रेजेंटली जो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो भी अपनी पॉलिसीज आ गई है जो भी लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन निकल रहे हैं वह उन्होंने द्वारा ही पास होकर अपने को। हाँ जी स्टूडेंट आप फंक्शन की गल कर रहे थे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के फंक्शन की है। तो सब तो पहला जो फंक्शन है दैट इज मेकिंग अरेजमेंट ऑफ कंडक्टिंग पबलिक एग्जामीनेशन एट स्कूल लैवल। जिहड़ा अपना पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड है स्कूल लैवल तक काम करता है मतलब यह नहीं भी कॉलेज लैवल तक नहीं काम करता स्कूल मतलब प्लस टू तक के जो स्कूल होंगे उस लैवल तक जो काम करते हैं। तो यह काम की है मेकिंग अरेजमेंट कंडक्टिंग पबलिक एग्जामीनेशन एट स्कूल लैवल। जिन्हें भी स्कूलों के कोई एग्जाम कंडक्ट करवाने हैं टेंथ लैवल प्लस टू लैवल या होर भी एग्जाम कंडक्ट होंगे उन्हें की रूल एंड रेगुलेशन होंगे उन्होंने सारे की अरेजमेंट जी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा ही की है। यह पहला फंक्शन है। सैकेंड एट प्रेजेंट इट कंडक्ट एग्जाम ऑफ टेंथ एंड प्लस टू ठीक है ना। जो भी अपने टेंथ से प्लस टू के एग्जाम है वह भी किसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के द्वारा। जिम्मे हम तुम जानते ही हो लॉकडाउन चल रहे हैं लॉकडाउन के दौरान जो टेंथ या प्लस टू के जो एग्जाम से उन्होंने काफी प्रॉब्लम आ रही है मतलब एग्जाम हो नहीं पा रहे तो जिम्मे जो भी रूल एंड रेगुलेशन निकले अभी बच्चों प्रमोट कर देना किस लैवल से यह भी सारे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा ही टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आई है। जिम्मे टेंथ वाले बच्चों प्रमोट कर दिया जाए उन्होंने जो भी एग्जाम लेंगे नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्री बोर्ड है प्रमोट हो जाएंगे उसे तरह ही प्लस टू के जो बच्चे है उन्होंने जो भी एग्जाम लेंगे नहीं बचे। तो इस जो भी रूल एंड रेगुलेशन है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा ही टाइम टू टाइम किए जाते। थर्ड आ गया इट ऑल्सो प्रोड्यूस टेक्सट बुक्स फॉर स्कूल। हम एक स्कूल टेक्सट बुक्स होंगे टेक्सट बुक्स की पबलिश करवाना है टेक्सट बुक्स की डाटा होगा ठीक है सब्जेक्ट का जिहड़ा जो भी सिलेबस है उसका क्राइटेरिया की होगा यह भी सारा डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा ही किया जाता है। स्कूल लैवल तक जो भी करिकुलम है जो भी कोर्सिज है स्कूल लैवल तक जो डिसाइड करते हैं वह सारे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा ही देखे जाते हैं। उस तो बाद आ जाता है मेकिंग नेसेसरी अरेजमेंट फॉर एफिलेशन फॉर द स्कूल। नेसेसरी अरेजमेंट फॉर एफिलेशन ऑफ द स्कूल। यह चाहो तो क्योंकि मैं एक्सप्लेन पंजाबी च करी है पंजाबी चीज अपनी नोटबुक्स से नोट कर सकते हो जो किसी भी इंग्लिश प्रॉब्लम है तो हम इतने की कह रहे हैं कहते स्कूल जो एफिलेशन तो तुम्हें पता होगा कोई भी स्कूल जोड़ा है वो काम करता है काम करने लिए गवर्नमेंट की एफिलेशन की जरूरत होंगी है। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एफिलेशन दिता है एफिलेशन देने भी उसके द्वारा कुछ पहला अरेजमेंट की जाती है। अरेजमेंट के लाइक किस तरह का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लासिज रूम किस तरह के होंगे एक क्लास के किन्ने टीचर होंगे ये सारा जो भी है
जो भी इन्हों का इंफ्रास्ट्रक्चर है एफिलेशन की वह भी पहला पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा ही डिसाइड किया जाता है ते यही मतलब उपर एफिलेट करके दस दिया भी तुहाडा स्कूल जिहड़ा है अगे एफिलेट हैगा टेंथ या प्लस टू या नहीं है। लास्ट जिहड़ा दा काम है हुण इह जिहड़ी एफिलेशन दी आपां गल कर रही है एफिलेशन किहनूं किहनूं प्रोवाइड करदा है एफिलेशन प्रोवाइड करदा है फॉर ऑल द गवर्नमेंट स्कूल फॉर ऑल गवर्नमेंट स्कूल नूं एफिलेशन प्रोवाइड करदा है एंड सम प्राइवेट स्कूल कुछ प्राइवेट स्कूल है जिन्होंने एफिलेशन जी प्रोवाइड की गई ऑल गवर्नमेंट स्कूल से सम प्राइवेट स्कूल की जी एफिलेशन आप दिखती है। उस तो इलावा लास्ट पॉइंट जो फिफ्थ पॉइंट जो डिस्कस कर रहे थे मेक एफर्ट्स टू ब्रिंग क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल इंप्रूवमेंट तुम कह सकते हो इंप्रूवमेंट इन स्कूल इंप्रूवमेंट इन स्कूल इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन कुछ भी कह सकते ठीक है। ये जेडे भी इंप्रूवमेंट के फंक्शन है ये भी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा ही किए जाते हैं भी एक एजुकेशन के इंप्रूवमेंट किस तरह होगी एक स्कूल के इंप्रूवमेंट किस तरह होगी टीचर किस लैवल के होंगे टैक्सट बुक्स किस लैवल दूंगिया यह सारी इंप्रूवमेंट जी है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड द्वारा ही की जाती है। तो यह जिन्हें भी सारे फंक्शन है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के तो यह टॉपिक अपने कवर किया।